हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, ये है एक 5 SP पेट्रोल इंजन। गाइस, आज की वीडियो में हम इस इंजन में स्कूटी का क्लच बेल्ट को फिट करने वाले हैं और आपको चलाकर दिखाने वाले हैं, जिससे कि हमारा जो इंजन है वो ऑटो गियर पे काम करेगा। गाइस, आपने देखा होगा जो स्कूटी होता है उसमें गियर डालने की जरूरत नहीं पड़ता है, उसमें रेस डालते ही उसका पहिया घूमने लगता है, क्योंकि वो ऑटो गियर सिस्टम होता है। उसी तरह से हम भी इस इंजन में स्कूटी का क्लच बेल्ट को फिट करेंगे और हमारा जो इंजन है वो ऑटो गियर पे काम करेगा। तो गाइस, वीडियो को पूरी देखना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फटाफट शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि इंजन कैसे स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्विच अप का बटन दिया हुआ है, ये ऑन ऑफ स्विच है, और इस तरह से ये स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पे दिया गया है ये स्टार्ट करने के लिए गाइस। और ये जो इंजन है ये मुझे 8,000 रुपये का पड़ा है, बहुत ही ताकतवर इंजन है। इसके पीछे मैं स्कूटी का क्लच बेल्ट को फिट करने वाला हूँ ताकि ये जो अच्छे से काम करे। तो गाइस, फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमने एक फ्रेम को बनाकर तैयार कर लिया है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने फ्रेम को बहुत ही मजबूती से बनाया है, यहाँ पर जो हमारा इंजन है वो इंजन फिट होगा और यहाँ पर जो हमारा स्कूटी का क्लच बेल्ट है यहाँ पे फिट होगा। तो गाइस, ये है स्कूटी का क्लच बेल्ट, जो कि आपको दिखाता हूँ, मैं एक चीज बढ़िया करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्कूटी का जो रोलर है, ये रोलर है जो आगे स्कूटी का आगे फिट रहता है, जो कि आप देख सकते हैं इसके अंदर इस तरह से रोलर लगा होता है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इस तरह से फिट होता है। और ये है स्कूटी का क्लच, जो कि ये क्लच का काम करता है। अभी ये फ्री है, जैसे ये घूमता है तो स्कूटी का क्लच का काम करता है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें मैंने चेन स्पोकेट को भी वेल्डिंग करके लगा दिया है अच्छे से, जो कि हमारा चेन इसी पे चलेगा। मैं सारा सामान को इसमें फिट करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो इंजन है, यहाँ पर हमने फ्रेम के साथ में अच्छे से फिट कर लिया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बढ़िया से फ्रेम के साथ फिट कर लिया है। तो गाइस, ये है स्कूटी का रोलर सेट, जो कि हमें इसको यहाँ पर इस तरह से फिट करना है। तो इसके फिट करने के लिए हमने यहाँ पर एक जुगाड़ बनाया है, जो कि आप देख सकते हैं हमने लोहे में इसके अंदर बोर कराया और फिर इसका चाबी कटवा दिया, जो कि यहाँ पर इस तरह से फिट होगा। इसके चाबी वाला साइड में इस तरह से लगेगा यहाँ पर, और ये जो इसका सिस्टम है ये वाला इसके अंदर यहाँ पर जाएगा गाइस, इस तरह से लगेगा। तो फटाफट से इसको यहाँ फिट कर लेते हैं। तो गाइस, ये है स्कूटी का क्लच, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से फिट करने वाला हूँ, यहाँ पर इस तरह से ये फिट होगा। तो गाइस, मैं इसको आपको खोलकर दिखाता हूँ इसके अंदर कैसे क्या सिस्टम है, नहीं तो बाद में आप कमेंट करते हो कि इसके अंदर ये कैसे क्या है। तो आपको मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार खोल के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ड्रम, जो कि इसका ये स्कूटी का क्लच है, ये क्लच होता है गाइस यहाँ पर। ये स्कूटी का क्लच सिस्टम है, जो कि इसके साथ में अटैच रहता है यहाँ पर। ये क्लच के गुट सूज है, ये क्लच सूज है गाइस, ये ऐसे खुलता है जब चलता है तो ऐसे खुल जाता है, और इसका पहिया जो क्लच सिस्टम है वो काम करने लगता है। तो गाइस, फटाफट से अब इसको मैं आपको फिटिंग करके दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर हमने स्कूटी का जो क्लच बेल्ट है 5 SP इंजन के साथ हमने फिट कर लिया है, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्कूटी का रोलर सिस्टम है वो मैंने आगे फिट किया हूँ, और जो क्लच है वो पीछे फिट किया है, और ये बेल्ट सिस्टम है यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस इंजन को आप बाइक ट्रॉली या बाइक मोटरसाइकिल ट्रॉली में किसी भी जुगाड़ के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। नया कोई 4 व्हीलर कोई बाइक बनाना हो, इस तरह कुछ भी बनाना हो, इसमें आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने स्कूटी का जो सिस्टम हमने फिट किया है, इससे क्या है इंजन का टॉर्क बढ़ जाएगा, ताकत ज्यादा आ जाएगी इंजन में, और ये अच्छे से काम करेगा। तो गाइस, आपको मैं इसको चलाकर दिखाता हूँ कि किस तरह से चलता है और ये किस तरह से काम करता है।
तो गाइस आपने देखा हमारा जो इंजन है वो अच्छे से वर्क किया है और हमने जो क्लच सिस्टम इसमें फिट किया है वो अच्छे से काम कर रहा था। जैसे मैं इसको रेस दे रहा था इसका स्कूटी का क्लच ये वाला जो काम कर रहा था इसमें जो कि चेन सिस्टम लगा होता है और इसका ये अच्छे से वर्क कर रहा था ये। तो गाइस इसका मैं बहुत ही जल्दी फोर व्हीलर बाइक में फिट करने वाला हूँ, इस इंजन को फिट करके आपको दिखाने वाला हूँ, चलाकर दिखाने वाला हूँ और इसका क्लच सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है यहाँ पर। तो गाइस ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।